हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 18 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आज आपसे पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुँचाने के लिए शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो रोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे आज। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद 2021 में कितने लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब यहाँ पर कल आपसे पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार का, ठीक है। तो खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और कोच को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने 12 खिलाड़ियों को जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 12 खिलाड़ी आपका राइट आंसर होगा। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। कल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, और आज आपको पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने को मिला है, तो 12 खिलाड़ियों को। कल पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार 35 खिलाड़ियों को, और हो सकता है आने वाले शिफ्ट में ज़रूर आपसे पूछेगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड कितने को दिया गया है, तो 10 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। बार बार क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ये कितने चरणों में संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जिसमें दोस्तों गोरखपुर सीट से यूपी के सीएम फिर से बने हैं, गोरखपुर सीट से जीतकर यूपी के सीएम फिर से बने हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये वाला क्वेश्चन दो बार आ चुका है दिल्ली पुलिस में, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो 7 चरणों में टोटल ये चुनाव संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शैला नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। देखिए, शैला नृत्य की बात करूं तो एक छड़ी नृत्य है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सरगुजा, छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों के लोगों के बीच प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में या तो छत्तीसगढ़ दिया होगा या मध्य प्रदेश दिया होगा। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच जो है ना, ये सरगुजा, छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों के लोगों के लिए ये प्रसिद्ध है। शैला नृत्य की बात करें, कौन सा नृत्य, एक छड़ी नृत्य है ये, और आप बताइए कमेंट में दोस्तों कि छत्तीसगढ़ ऑप्शन में था या मध्य प्रदेश, या दोनों ही थे ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आया था 2021 सड़क और परिवहन मंत्री कौन थे। कल आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में 2021 में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, आज आपसे पूछा गया है 2021 में सड़क और परिवहन मंत्री कौन थे। तो सड़क और परिवहन मंत्री 2021 में नितिन गडकरी थे, अभी भी नितिन गडकरी ही हैं। अगला क्वेश्चन आया, नव वर्ष में मलयालम में किस देव की पूजा होती है। देखिए, नव वर्ष में मलयालम में जो है ना विशु या विशुकणी देव की पूजा होती है। विशु या विशुकणी को मलयालम का न्यू ईयर कहा जाता है। इस दिन लोग मंदिरों में भगवान विष्णु के दर्शन कर के नए साल का पहला दिन शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपसे देव की पूजा पूछा था, तो भगवान विष्णु आपका करेक्ट होना चाहिए, या आपको भगवान विष्णु ऑप्शन में मिला होगा या विशुकणी ऑप्शन में मिला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ जूते हुए खेत मिले हैं। जूते हुए खेत हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन से मिले हैं, तो कालीबंगन आपका करेक्ट होगा आंसर। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें जिन्होंने भी लाइक नहीं किया अभी तक, शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें रोजाना वीडियो देखने के लिए। एक क्वेश्चन आया था, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या चीज़ जो है ना से रिलेटेड है स्वर्ण सिंह समिति। अब आपको पता होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमने संविधान में 42वां संशोधन किया था। कब किया था, 1976 में। इसके तहत हमने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया था, जिन्हें हमने रखा था आर्टिकल 51A, और भाग कौन सा था, भाग था हमारा 4A। इसमें हमने स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा लेकर 42वां अमेंडमेंट किया 1976 में। आर्टिकल 51A और भाग 4 में हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। उसके बाद हमने क्या किया, 86वां संशोधन किया सन 2002 में, उसमें हमने एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। इसलिए हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो बेसिकली आपसे वही पूछा गया था कि स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, तो ये आपका दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सोनालिका किस अनाज से संबंधित है।
तो कल्याण सोना, गिरिजा और सोनालिका, ये सभी गेहूं की किस्में हैं। तो ये आपका गेहूं अनाज से संबंधित है, ऑप्शन में गेहूं दिया था, गेहूं करेक्ट हो जाएगा। एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया, पंजाब और हरियाणा की कौन सी फसल जो ओडिशा में निर्यात की जाती है, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता चला है। जिनको भी ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मालूम है कमेंट करके बताइए, और ऑप्शन याद है तो ऑप्शन भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, दोस्तों आपको बता दूं, 1857 के विद्रोह की स्मृति में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र गदर से इसका नाम लिया गया। इसकी स्थापना सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में या तो सोहन सिंह भकाना दिया होगा या लाला हरदयाल दिया होगा, दोनों में से बताइए क्या ऑप्शन में था। इसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से औपनिवेशिक महाशक्ति से छुटकारा पाना और उपमहाद्वीप पर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करना था। एक क्वेश्चन आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस एक्ट के तहत जोड़ा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे। इसमें कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया था। तो आपसे बेसिकली सिंपल सा यही पूछा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस एक्ट में जोड़ा गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया रेपो रेट से। रेपो रेट किसे कहते हैं, तो रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर वह है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं और बदले में ब्याज अर्जित करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था शुरू में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी। तो शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, उसके बाद हमने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और 6 बचे हैं अब। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संवैधानिक उपचार, ये अब 6 वर्तमान में हैं, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। सोनालिका किस अनाज से संबंधित है, तो कल्याण सोना, गिरिजा और सोनालिका, ये सभी गेहूँ की किस्में हैं। तो गेहूँ ऑप्शन में दिया था, गेहूँ करेक्ट हो जाएगा। सोनालिका जो है ये गेहूँ अनाज की एक किस्म है। एक यहाँ पे बताया गया स्टूडेंट के द्वारा कि लाठी नृत्य भी पूछा गया था, बताइएगा दोस्तों आया था या नहीं। अगर पूछा है तो लाठी जो है ना ये राजस्थान में भील जनजाति का नृत्य है, और वैसे लाठी नृत्य की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के लोगों का जो है ना नृत्यों में से भी एक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था बताइएगा दोस्तों जिनको याद है। ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, जितने मेरे पास आए हैं सभी क्वेश्चन करवा दिए आपको। और क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर देना फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, उनको मैं ऑल शिफ्ट में कवर कर लूँगा। अब अपने मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।